नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजमहल अनुमंडल थाना अंतर्गत राधा नगर थाना क्षेत्र के कुख्यात मोबाइल चोर आलम शेख के घर से छापामारी कर पुलिस ने लगभग 50 लाख कीमत के 90 मोबाइल बरामद किए। इस संबंध में राजमहल SDPO अरविंद कुमार सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि राधा नगर थाना क्षेत्र के पीआरपुर निवासी कुख्यात मोबाइल चोर आलम शेख अन्य जगह से भारी मात्रा में नए मोबाइल चोरी कर लाया है, उसे बेचने का प्रयास कर रहा है। सूचना के आधार पर SDPO श्री सिंह के नेतृत्व में बीते 10 जनवरी को रात्रि राजमहल थाना प्रभारी प्रणित पटेल, राधानगर थाना प्रभारी कुंदन कांत, विमल सशस्त्र बल के जवानों के साथ आलम शेख घर में छापेमारी किया। छापेमारी के दौरान कुख्यात चोर आलम शेख अंधेरे का लाभ उठाते हुए नदी में कूदकर भागने में सफल रहा। आलम शेख के घर से तलाशी लेने पर उसके शयन कक्ष से 90 पीस मोबाइल बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है। 11/1/21 की रात्रि को मुझे गुप्त सूचना मिली कि राधानगर थाना अंतर्गत मध्य प्यारपुर निवासी जो पहले का कुख्यात चोर रहा है आलम शेख, बाहर से भारी मात्रा में नया मोबाइल चोरी कर लाया है और अपने घर पर रखे हुए है, जिसे तुरंत कहीं सेल करेगा। इस सूचना पर मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया और मैंने थाना प्रभारी राधानगर, थाना प्रभारी राजमहल दोनों के साथ लेकर उसे घर पर छापामारी किया। छापामारी के दौरान सैमसंग कंपनी का 24 पीस मोबाइल, ओप्पो कंपनी का 22 पीस मोबाइल, रियलमी कंपनी का 8 पीस मोबाइल, रेडमी कंपनी का 3 पीस मोबाइल, आईफोन का 12 पीस मोबाइल, वीवो कंपनी का 21 पीस मोबाइल, कुल 90 पीस नया मोबाइल बरामद हुआ। इस अपराधी के पीछे गंगा नदी है, अंधेरे और नदी का फायदा उठाकर वो भागने में सफल रहा, जिसे हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कुल 90 पीस मोबाइल को जब्त किया गया है तथा उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ के किसी दुकान में इसके द्वारा चोरी किया गया है। हम लोग ये पता कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी हुई है, ताकि उसको खबर कर सकें और न्यायालय के माध्यम से उन्हें सुपुर्द कर सकें। इसकी लागत कितनी होगी सर? इसकी लागत लगभग 50 लाख रुपए है। इसलिए आईफोन है भारी मात्रा में, जो काफ़ी कीमती मोबाइल है सैमसंग का, और ये रेडमी और ओप्पो का भी सभी लेटेस्ट मोबाइल है, सभी महंगे मोबाइल हैं। कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये लगभग आंकी जा रही है। मोबाइल के अलावा सर और कुछ बरामद हुई क्या? नहीं, मोबाइल के अलावा उसके और कुछ बरामद नहीं हुए। वो मोबाइल चोर है, कुख्यात मोबाइल चोर है, पहले भी पुलिस उसको 2 बार गिरफ्तार कर जेल भेजी है। सटीक सूचना मिली और सूचना के तहत ये बरामदगी की जा सकी।